हेलो गाइस, श्री शिवा नमस्ते दम, वेलकम टू माय चैनल कमलेश बोलन आर्ट। तो देखिए गाइस, ये आज मैं 7 और 8 नंबर लड्डू गोपाल की चोली लेके आई हूँ। अगर ये आप बनाना जानते हो तो बना लीजिएगा, अगर नहीं जानते हो तो मैं इसकी लिंक दे दूँगी एंड स्क्रीन पर और आई बटन पर, वहाँ से आप बनाना सीख सकते हो। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम आपको बताते हैं कि इसका बेस कैसे बनाया जाता है और कौन सी डिज़ाइन डाल रहे हैं। तो देखिए, हम यहाँ बाजू की सीध से स्टार्ट करेंगे बनाना। तो यहाँ से इसे लॉक कर दूंगी, ये लॉक हो गई। अब देखिए, 1 2 3 तीन चेन हो गई और इस तरीके से मैं इसमें पफ बनाऊंगी। सॉरी, 1 2 3 4 बार धागा लपेट लिए, एक साथ निकाल देंगे, फिर इसको लॉक कर देंगे इस तरीके से। 1 और 2 चेन ले ली। अब एक चेन स्किप करेंगे इससे नेक्स्ट चेन में, फिर दोबारा से मैं इस तरीके से एक बार पफ बनाऊंगी। 1 2 हो गया, 3 4 फिर एक साथ इसको निकालूंगी, फिर 1 और 2 चेन ले ली, फिर एक चेन स्किप करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट में इसी तरीके से पफ बनाऊंगी। 4 हो गए गाइस। अब इसको फिर दोबारा से इसी तरीके से निकाल के लॉक कर दूंगी, फिर 1 और 2। तो गाइस, मैंने एक चेन स्किप करी और एक चेन में एक बार पफ लिया। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना है, तो चलो राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूंगी। देखिए, यहाँ हमने जॉइंट करा था एक सिंगल डबल क्रोशिया के साथ, वहीं से मैं स्लिप स्टिच कर देती हूँ। तो इस तरीके से सिल्प स्टिच हो गया। अब यहाँ सिल्प स्टिच हो गया। अब जो हमारी ये चेन है नेक्स्ट वाली, यहाँ पर मैं सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूंगी। ये जॉइंट हो गया। अब इसी ये वाली जो चेन है 2 की, इसी के अंदर मुझे एक बार पफ बनाना है। 4, तो इसे एक साथ निकाल के एक बार लॉक कर दिया, एक चेन ले ली। अब देखिए, फिर इसी के अंदर मुझे एक बार पफ बनाना है। तो 1 में 2 हो गए, देखिए 1 के ऊपर 2 हो गए, आप देख सकते हो। अब देखिए, 1 और 2 चेन एक बार और फिर एक बार और। अब देखिए, इस वाली चेन में मुझे इस तरीके से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, एक बार फिर एक बार फिर इस तरीके से एक बार, फिर 1 चेन 2 चेन, देखिए 1 2 3। अब देखिए, इसमें बन गया, इसमें बन गया। अब इस वाली चेन में मैं डबल ये बनाऊंगी पफ, 2 3 4 एक साथ निकाल के लॉक कर दूंगी इस तरीके से, फिर इसी के अंदर एक बार और ये हो गई 4, और 4 को एक साथ निकाल के 1 2 चेन ले ली और 2 बार धागा। अब इस वाली नेक्स्ट वाली चेन में ट्रिपल क्रोशिया कर दूंगी, 1 2 4 एक साथ निकाल के लॉक कर दीजिए, फिर एक चेन और ले लिए, फिर इसी के अंदर इसी तरीके से एक बार और पफ बनाएंगे 4 बार धागा लपेट के। तो देखिए, ये हमारा 4 बार धागा लपेट के इस तरीके से पफ बन गया और 2 चेन। इसी तरीके से गाइस, हम राउंड कंप्लीट करेंगे, तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, अब हमारा ये दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब जो हमारी ये पफ के बीच में जो चेन है, इसी में मैं इसमें इस तरीके से कंप्लीट कर लूँगी चेन, और फिर इसके ऊपर भी इसी तरीके से पफ के ऊपर पफ 2 बार बनाना है। 3 4 एक चेन ले ली, फिर इसी की मैं दोबारा से बनाएंगे, 1 2 3 4। अब देखिए, नीचे वाले धागे में हमने 2 बार, नीचे वाले राउंड में हमने 2 बार चेन ली थी, अब इसमें मैं 3 बार चेन लूँगी। तो 1 2 3, अब 3 चेन लेके ये जो हमारी सिंगल डबल क्रोशिया है, इसी के अंदर सिंगल डबल क्रोशिया के साथ ट्रिपल क्रोशिया में सिंगल डबल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे। फिर देखिए, 1 2
तीन लेने के बाद में इसके ऊपर पफ के ऊपर पफ बनाते हुए जाएंगे गैस। चार बार धागा लपेट के जिस तरीके से बनाते हुए आ रहे थे इसी तरीके से फिर दोबारा से इसी में एक बार और कर देंगे और फिर लॉक कर देंगे इसको। फिर एक दो तीन, तीन की चेन अब इसमें फिर दोबारा से इसी तरीके से जॉइंट कर दूंगी इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया के साथ। फिर एक दो तीन और तीन के बाद में फिर इसी में इसी तरीके से पफ बनाते हुए हम राउंड कंप्लीट करेंगे गैस इस तरीके से। देखिए हमारा इस तरीके से आएगा, तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गैस ये हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब मैं ये दो की चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। अब ये दो की जो पफ है दो के पफ के ऊपर दो का पफ बनाएंगे, तो दो तीन चार और हम इसको लॉक कर देंगे। एक चेन ले लेंगे फिर इसी चेन में दोबारा से लेंगे एक दो तीन चार, फिर इसे लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिएगा हमने नीचे वाले पहले राउंड में हमने दो दो डबल क्रोशिया करा था, दो दो चेन ली थी, उसके बाद तीन तीन चेन। अब हम यहाँ पर एक दो तीन, तीन और चार, चार चेन ले ली। अब इसमें एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे, सॉरी सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक दो तीन चार, फिर इसमें हम पफ बनाएंगे दो के ऊपर दो। गाइस हमें ये पफ नहीं कुछ भी करना, पफ तो दो के ऊपर दो ही आएंगे जो हम चैन हैं। अगर आपका बेस अच्छा नहीं आता है तो चैन बढ़ा दीजिए, चैन से ही बेस अच्छा आ जाएगा आपका। फिर दोबारा से इसी के अंदर लूँगी एक दो तीन चार। अब देखिए एक चेन ले ली मैंने, अब देखिए यहाँ सिर्फ स्टिच करना था एक दो तीन चार, चार चेन ले ली। अब इसके अंदर सिर्फ स्टिच कर देंगे जो हम सिंगल डबल क्रोशिया करते आ रहे हैं उसी के अंदर सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे दो तीन चार। अब इसमें इसी तरीके से पफ बनाएंगे। तो इसी तरीके से गाइस मुझे राउंड कंप्लीट करना है, तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इसके बाद गाइस हमने जो ये चेन बनाई है इसके बाद में जैसे हमने दो के ऊपर दो पफ बनाएंगे और जहाँ हमने ये चार चेन यहाँ बनाई है और फिर यहाँ सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करा, फिर चार चेन इधर और फिर हमने यहाँ पफ बनाया। तो अब मैं इसके बाद में जो राउंड बनाऊँगी उसे दिखाऊँगी नहीं, और उसमें भी मैं ऐसे ही दो पफ के ऊपर दो पफ बनाऊंगी और जो चेन मैंने चार की बनाई है उस चेन को मैं पांच कर दूंगी इस साइड में और फिर यहाँ सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूंगी, फिर पांच इस साइड में और फिर ये पफ बना दूंगी। इसी तरीके से ये पांच बार राउंड में कंप्लीट करूंगी, तो चलिए करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस अब हम ये पाँचवा राउंड हमारा कम्प्लीट हुआ, यहाँ पर हम पफ के बीच में सिर्फ स्टिच कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए इसी के ऊपर मैं पफ बनाऊँगी, तो देखिए एक दो तीन चार, फिर इसको लगा के लॉक कर दूंगी, फिर एक चेन ले लूँगी। अब गाइस इसी के ऊपर हमें एक बार और पफ बनाया, मैं धागा जोड़ती हूँ इसमें। अब देखिए इसी वाले धागे हम एक बार और पफ बनाएंगे एक दो दो बार हो गया तीन चार, चार हो गया। अब देखिए हम इसको लॉक कर देंगे एक साथ, फिर देखिए एक एक लॉक करने की चेन, एक चेन ये वाली हो गई दो चेन, ठीक है। अब ये वाला धागा हम साथ में ले लेंगे। अब हमने दो के ऊपर दो कर दिया, अब ये हमारा छठवां राउंड है, तो छठवें राउंड में हम इसी वाली चेन में दोबारा एक और बनाएंगे। टोटल हमें एक चेन में जो हम दो की दो एक चेन में दो बार पफ बना रहे थे उसी पफ में हमें तीन बार पफ बनाना है गाइस इस तरीके से। थोड़ा सा धागा निकल रहे हैं गाइस, कटा हुआ आ गया था तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई इस तरीके से। देखिए एक दो तीन, अब देखिए एक हमारी यहाँ पांच चेन थी, तो अब हमें एक चेन ज़्यादा लेनी है गाइस, दो
तीन, चार, पाँच और एक छः, छः चेन हो गई। अब यहाँ पर हम सिंगल डबल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे जैसे जोड़ते हुए आ रहे थे। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः इधर ले लिया, धागा लपेटेंगे। अब यहाँ पफ के ऊपर पफ बना देंगे। पहले दो पफ बनाएंगे एक ही पफ में, जैसे हमने इधर तीन बनाए हैं एक पफ में, ऐसे ही इसमें भी हमें तीन ही बनाने हैं। इस तरीके से लॉक कर दिए। अब एक और दो, दो चेन ले ली। अब इसी के अंदर फिर एक और बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, दो हो गए गाइस। अब एक चेन और दो चेन, दो हो गए। अब इसी वाली चेन में फिर दोबारा से हम एक और बनाएंगे, इसको भी चार बार, और लॉक कर देंगे इस तरीके से। तीन बना दिए, देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः चेन बनाने के बाद में अब यहाँ पर हम सिल्प स्टिच सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे इसको, सिल्प स्टिच नहीं करेंगे गाइस। इस तरीके से ये धागा कट गया है इस तरीके से। अब इधर भी हमें छः चेन बना के यहाँ पर तीन तीन के बनाने हैं। एक चेन में जब से हम दो दो बना रहे थे, अब हम तीन तीन हर राउंड पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ मैं। अब देखिए गाइस एक दो, देखो एक दो तीन चार पाँच छः, छः राउंड कंप्लीट हो गए हमारे, छठवा राउंड। अब देखिए जो हमने एक चेन में दो पफ के वाले पफ में हमने तीन पफ करे थे, तो फर्स्ट जो पफ है उसी के अंदर मैं इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूंगी। उसके बाद फिर देखिए एक, दो, तीन, चार, इस तरीके से इसे लॉक कर दूंगी, फिर एक चेन ले लूँगी। अब जहाँ हमने एक बनाया इसी के अंदर फिर एक और बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, फिर इसको हम लॉक कर देंगे। अब फिर देखिए अब ये नेक्स्ट वाला है, तो इसमें भी हमें दो के ऊपर दो ही बना, एक के ऊपर दो बनाना, एक बन गया। अब देखिए इसी के अंदर फिर दोबारा से हम एक और बनाएंगे, चार चार बार धागा लेके। तो देखिए तीन के ऊपर हमने चार बना दिए, आप देख सकते हो गाइस। देखिए यहाँ हमारे तीन थे, इसके ऊपर हमने चार बना दिए। अब यहाँ छह चेन थी एक तरफ, तो अब हम यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, चार, और हम यहाँ करेंगे पाँच, पाँच, पाँच चेन करेंगे गाइस इसमें, पाँच और एक कर देते हैं, छोटा हो जाएगा, छः, छः कर देते हैं। अब छः के ऊपर सात हो गई, सात एक बढ़ाना होता है ना, तो सात हो गई। अब यहाँ पर हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे गाइस। इस धागे को मैं बाद में काट दूँगी क्योंकि ये गांठ का धागा आ गया है। सात हो गए। अब देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और एक पहले ले ली थी, तो सात हो गए। अब देखिए फिर ये फर्स्ट वाला जो है चेन, इसी में मैं दो बार पफ बना दूँगी इस तरीके से। अब इसी में फिर दोबारा से एक बार और बनाऊँगी, एक, दो, तीन, चार। अब फिर एक दो चेन ले ली। अब इस वाले में दो बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, और फिर इसमें चार हो गए। अब एक चेन ले लेंगे और फिर इसी में एक बार और बना देंगे। तो देखिए इसमें भी हमने एक चेन में दो बनाए हैं, फिर एक चेन में दो, और फिर यहाँ पर हमने सात चेन लिए, फिर यहाँ सात चेन लिए, यहाँ सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर लिया। ऐसे ही इसमें करना है। तो पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ गाइस आपको। अब देखिए गाइस हमने ये चार चार का राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब मैं यहाँ पर सिल्प स्टिच कर दूँगी इसमें सिंगल डबल क्रोशिया के साथ। अब देखिए यहाँ से मैं दूसरा धागा बना रही हूँ। देखिए हमारा ये कुछ इस तरीके से लग रहा है गाइस।
स्टार्टिंग में लगेगा गाइस कि हमारा ये चोली का बेस यहाँ का जो कम है, मगर जब हम बनाते हुए जाएंगे तो ये बेस हमारा पूरा अच्छे से आ जाएगा इस तरीके से। तो स्टार्टिंग में ये ऐसा लगेगा कि हमारा ये वाला बेस यहाँ से टाइट होता हुआ जा रहा है, मगर आपको अगर ऐसा लगे तो ऐसा मत करना, आप बनाते हुए जाना। जब लास्ट में हम यहाँ पर बढ़ाते हैं ना तो ये बेस अपने आप से ही ठीक हो जाता है, देखिए। तो चलिए गाइस, अब मैं दूसरा धागा लगाऊंगी इसमें, इस धागे को कट कर देती हूँ कि यहाँ से जॉइंट कर लूँगी मैं इस तरीके से। जॉइंट कर लिया, अब इसके ऊपर देखिए, पहले हमारे दो दो थे, दो के बाद में हमने तीन पफ बनाए, तीन के ऊपर हमने चार पफ, अब चार के ऊपर हम छः पफ बनाएंगे। तो एक दो तीन चार पांच, पांच का राउंड बनाते जाना, क्योंकि ये धागा जो मैं बना रही हूँ ब्लू कलर का, ये थोड़ा सा पतला है। एक पफ बन गया, आपका मोटा हो तो चार में ही रहने देना, चार बार धागा। तो देखिए दो तीन चार, चार का ही बना के दिखा देती हूँ। तो देखिए चार हो गया, एक पफ में हमने दो के ऊपर दो बना दिए। अब दो चेन ले ली, अब इससे नेक्स्ट वाली जो ये वाली चेन है इसके ऊपर भी हम दो बनाएंगे, तीन चार, और फिर देखिए फिर एक चेन ले लेंगे, फिर इसके ऊपर बनाएंगे हम इसी तरीके से, एक दो तीन चार, और चार को फिर एक साथ से इस तरीके से निकाल देंगे हम। तो देखिए ये दो इसमें बना दिए, दो इसमें चार हो गए, अब एक चेन लेंगे, अब इस दो के ऊपर दो बना देंगे, दो तीन चार, और फिर एक साथ निकाल देंगे इसको, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी के अंदर फिर एक बार और बना देंगे, एक दो तीन चार, फिर एक साथ निकाल के लॉक कर देंगे। अब देखिए गाइस, जो हमारी ये वाली चेन है इसके अंदर हम इस तरीके से तीन की चेन ले ली हमने, तीन की चेन लेने के बाद में ये वाली जो यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे इसके अंदर, और इसको हम सिंगल डबल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। जॉइंट कर दिया, अब देखिए ये जो हमारा इस तरीके से ये बन के आया है ये वाला, इसके ऊपर हम बनाते हुए जाएंगे ये वाला, देखिए इसके ऊपर साइड से हम निकालते हुए आएंगे। तो देखिए मैं इस तरीके से बना के दिखाती हूँ आपको, अब देखिए एक दो तीन, तीन की चेन ले ली, अब देखिए यहाँ से हम इसमें जॉइंट सिंगल डबल क्रोशिया के साथ कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए एक दो तीन चार, इसमें तीन थे अब इसमें चार कर दिए। अब देखिए अब यहाँ पर हम इसमें लेंगे और इस तरीके से हम जॉइंट कर देंगे। फिर देखिए एक दो तीन चार, और फिर इससे नेक्स्ट वाला पफ है उसमें हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर देखिए एक दो तीन चार, और फिर इससे आगे वाले पफ में हम जॉइंट कर देंगे सिंगल डबल क्रोशिया के साथ, एक दो तीन चार, अब फिर इससे नेक्स्ट वाले राउंड में हम अभी दिखाऊंगी आपको कैसे जॉइंट कर रही हैं, दो चार, अब चार हो गए गाइस, आप देख सकते हो इस तरीके से। अब इसमें मैं जॉइंट कर दूंगी यहाँ पर, अब देखिए एक दो तीन, तीन हो गए, अब इसमें जो हमने यहाँ पर बनाया है इसके अंदर जॉइंट कर दूंगी। तो देखिए गाइस हमारा ये कुछ इस तरीके का आया है एक साइड से, अब ऐसे जिधर से हमने बनाया ऐसे ही इधर की साइड लेके जाना है। तो चार की चेन बनाएंगे हम, एक दो तीन चार,
चार के बाद में फिर हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। फिर देखिए एक दो तीन चार, और फिर इसको हम जॉइंट कर देंगे इसमें एक दो तीन चार। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में फिर हम जॉइंट कर देंगे एक दो तीन चार। अब इससे फिर हम इस वाली जॉइंट कर देंगे यहाँ पर एक दो तीन चार। अब इससे फिर हम जॉइंट कर देंगे यहाँ पर इससे एक दो तीन चार। एक दो तीन चार। अब देखिए चार हो गए। अब देखिए यहाँ पर हम डालेंगे इसी पफ में, इसे जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ ये निकल गया था जॉइंट करके इस तरीके से। फिर हम यहाँ पर पफ बनाएंगे एक दो तीन चार, फिर इसी में एक बार और बना देंगे इस तरीके से, ये लॉक कर दिया गाइस। तो गाइस देखिए मैंने ये इस तरीके से बनाया है, ऐसे ही दो इसमें और दो, फिर नेक्स्ट चेन है ये वाली, इसमें भी दो बनाने हैं, फिर इससे नेक्स्ट चेन है इसमें भी दो बनाने, इस तरीके से इसमें छः छः बनाना है। और छः बनाने के बाद में फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाएंगे। अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बन के कम्प्लीट आया है, हमने ये देख सकते हो आप इस तरीके से ये डिजाइन बनी है हमारी। अब देखिए मैं इसमें एक ब्लू कलर कम्प्लीट और करके दिखाऊंगी, उसके बाद ये हमारा कम्प्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हो ये मैंने यहाँ पर कट लगा दिया है, कम्प्लीट हो गया था। अब इससे नेक्स्ट मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। तो हमें ये क्लियर कम्प्लीट कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ गाइस। तो देखिए मैं तीन चार पाँच छः चेन हो गई, एक चेन और बनाऊंगी सात, सात चेन हो गई। और इसमें जो हम सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए आ रहे थे इसी तरीके से मैं सिंगल डबल क्रोशिया कर दूंगी। अब देखिए फिर इधर भी सात चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात। और फिर मैं यहाँ पर जो हमारा पफ था धागे को पीछे कर देंगे और जो पफ था उसी में मैं इसको लॉक कर दूंगी इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से। अब देखिए ये वाला हमारा इस तरीके से आया है। अब देखिए अब यहाँ पर मैं एक दो और तीन, तीन की चेन लेके जो हमारे पप है पप के बीच में ही इस तरीके से बना दूंगी। फिर देखिए एक दो तीन, फिर तीन की चेन लूँगी, फिर यहीं पर इससे नेक्स्ट जो पप है उसमें बना दूंगी इस तरीके से। और फिर देखिए इसे नेक्स्ट एक, और फिर देखिए दो तीन, तीन हो गए। अब तीन की चेन में इसी में फिर दोबारा से मैं इस तरीके से कर दूंगी देखिए। और फिर देखिए अब हम नेक्स्ट वाले में आएंगे इसमें, तो इसमें मैं लॉक कर देती हूँ पहले। फिर देखिए एक दो, और फिर इसी चेन में मैं दोबारा से इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूंगी। फिर देखिए अब नेक्स्ट पफ में हम दोबारा से इसे सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर देखिए एक दो, और फिर इसी के अंदर सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर देखिए इसे नेक्स्ट वाले में इसी तरीके से जॉइंट कर देंगे, फिर एक दो, और फिर इसी में लॉक कर दूंगी इस तरीके से। तो देखिए हमारा इस तरीके से आएगा। अब देखिए इधर भी एक दो तीन चार पाँच छ सात,
सात इधर थे और सात इधर, इधर भी सात चेन बनाई थी और इधर भी सात चेन बना रहे हैं गाइस। तो देखिए हम यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देती, इसी तरीके से बनाएंगे हम ये दो तीन चार पाँच छ सात, और फिर हम यहाँ पर जो हमारा ये पफ है इसी पफ में ज्वाइंट कर दें इस तरीके से। देखिए ज्वाइंट हो गया, अब एक और दो, दो चेन ले ली और इसी पफ में फिर दोबारा से हम इसको सिंगल डबल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। फिर देखिए इसे नेक्स्ट वाले पफ में भी हम फिर सिंगल डबल क्रोशिया से नेक्स्ट पफ में पहुंच जाएंगे, फिर हम दो की चेन लेंगे और इसी में फिर दोबारा से ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। फिर हम नेक्स्ट पफ में हमने सिंगल डबल क्रोशिया से ज्वाइंट कर दिया। फिर देखिए अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करना जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूं वो आप सब तक पहुंच सके। तो देखिए गाइस ये मैंने 7 और 8 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक बनाई है और कैसी लग रही है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।